बहुत धन्यवाद माननीय। मंच पर आसीन है माननीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री भारत सरकार माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी। हम उनसे अनुरोध करेंगे कि आज के इस अवसर पर अपने उद्गार व्यक्त करें आपकी जोरदार तालियों के साथ। माननीय राज्यपाल महोदया आनंदीबेन पाटिल जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी, उपस्थित अन्य माननीय मंत्रीगण, सभा में उपस्थित माननीय जनप्रतिनिधिगण, गणमान्य अतिथि, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार के सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्रा जी, उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक श्री कुमार केशव जी, आगरा नगर के सम्मानित नागरिक, मेरे साथी अधिकारीगण एवं पत्रकार बंधु, अत्यंत हर्ष का विषय है कि आप और हम सब आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा आगरा मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण कार्य का शुभ आरंभ किया जा रहा है। मैं इस अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष रूप से आभारी हूं कि इस परियोजना में सदैव हमें उनकी प्रेरणा एवं आशीर्वाद प्राप्त होता रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, जब से आपने उत्तर प्रदेश का नेतृत्व संभाला है, हमारी अर्बन अफेयर्स मंत्रालय की सभी जो योजनाएं हैं, बड़ी तेजी से इन पे विकास का काम हो रहा है। मैंने एक दो मिनट में मैं आपका लेके बताना चाहूंगा, जो अमृत योजना है जिसमें 60 शहर उत्तर प्रदेश के जिनकी जनसंख्या 1 लाख से ऊपर है शामिल है, उनपे 11,422 करोड़ का सैंक्शन हुआ है और 10,438 करोड़ का यानी कि 90% से अधिक काम कंप्लीट ऑलरेडी हो गया है। आगरा शहर में 570 करोड़ से अधिक के प्रोजेक्ट अमृत के द्वारा लिए गए हैं, जिसमें वाटर सप्लाई और सीवरेज प्रबंधन सेक्टर्स के 562 करोड़ के और पार्क्स और ग्रीन स्पेसेस का 8.5 करोड़ के लाख आसपास। उत्तर प्रदेश में 10 शहर स्मार्ट सिटीज में शामिल हुए हैं, जिसमें है आगरा, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, अलीगढ़, झांसी, बरेली, मुरादाबाद और सहारनपुर। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में जो 10 शहर है, इसमें 20,000 करोड़ से अधिक का काम हो रहा है और प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन में कोई 6,070 करोड़ के जो प्रोजेक्ट है ये कंप्लीट हो गए हैं। आगरा शहर के जो प्रोजेक्ट है 1371 करोड़ के ये कंप्लीट हो गए हैं और कोई 970 करोड़ के अंडर इम्प्लीमेंटेशन है। देश भर में उत्तर प्रदेश 8वें रैंक पे है और आगरा शहर 4थे रैंक पे है 450 स्मार्ट सिटीज में। तो उत्तर प्रदेश में भी शानदार काम हो रहा है और आगरा में खास करके जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, योगी जी आपको याद होगा मैंने पहले भी ये आपके सामने आंकड़े रखे थे, आपके मुख्यमंत्री बनने से पहले 17 महीने में जब ये योजना जो है जून 2015 में चालू हुई थी प्रधानमंत्री आवास योजना, आपके मुख्यमंत्री बनने से 17 महीने पहले हमने पूरी कोशिश की पर उत्तर प्रदेश में सिर्फ 18,000 आवास सैंक्शन हुए। अब तक ये आंकड़े बिल्कुल बदल गए हैं और स्टेट में पूरी जो डिमांड है 17,50,000 आवास की वो
सैंक्शन हो 12 लाख इसमें से ग्राउंड हो गए हैं और 6,30,000 लोगों को लाभार्थियों को दे दिया गया है। आगरा शहर में 41,665 आवास सैंक्शन हुए हैं जिसमें से 25,805 ग्राउंड हो गए हैं और 16,660 आवास लाभार्थियों को दे दिए गए हैं। जो स्वनिधि स्कीम है योजना प्रधानमंत्री जी की स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि स्वनिधि स्कीम, उत्तर प्रदेश देश भर में सबसे टॉप परफॉर्मिंग स्टेट है। 7,52,738 लोन एप्लीकेशन आए हैं जिसमें 4,02,054 लोन सैंक्शन हो चुके हैं और 3,31,070 लोन डिसबर्स भी हो चुके हैं, जो देश में 10 टॉप परफॉर्मिंग शहर है उसमें से उत्तर प्रदेश के 4 शहर हैं जिसमें से वाराणसी, लखनऊ, आगरा और कानपुर शामिल है और देश में सबसे एक नंबर पे लीडिंग है वाराणसी शहर जहां पे 43,423 एप्लीकेशन आई है, 28,047 सैंक्शन हुई है और 22,757 डिसबर्समेंट हो गई है। आगरा शहर 5वें स्थान पे है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज अर्बन ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत ही मैं समझता हूं महत्वपूर्ण दिवस है। इस समय देश में 702 किलोमीटर की मेट्रो लाइन 18 शहरों में ऑपरेशनल है जिसमें 4 उत्तर प्रदेश के शहर हैं, लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा। 2017 सितंबर के महीने 3 तारीख को मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया था। उसके 2 दिन बाद ही आपने लखनऊ मेट्रो की शुरुआत करवाई और आज स्थान यह है कि सारे देश में कोई 1,016 किलोमीटर मेट्रो लाइन अंडर कंस्ट्रक्शन है 27 शहरों में। अभी जो 702 किलोमीटर ऑपरेशनल है उसमें से 83 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में है और इसमें जो भी लाइन्स है ये सारा काम माननीय मुख्यमंत्री जी आपके ये पद संभालने के बाद हुआ है। लखनऊ मेट्रो रेल 22.8 किलोमीटर, दिल्ली मेट्रो एक्सटेंशन नोएडा सिटी सेंटर से इलेक्ट्रॉनिक सिटी नोएडा 6.67 किलोमीटर, दिल्ली मेट्रो एक्सटेंशन दिलशाद गार्डन से नए बस अड्डा गाजियाबाद 9.41 किलोमीटर, दिल्ली मेट्रो एक्सटेंशन कलनी कुंज से बोटैनिकल गार्डन उत्तर प्रदेश में 3.9 किलोमीटर, नोएडा से ग्रेटर नोएडा 29 किलोमीटर। ये सब आपके टेन्योर में ये सब काम हुआ है और अंडर इम्प्लीमेंटेशन है कानपुर मेट्रो 32 किलोमीटर, आगरा मेट्रो रेल प्रोजेक्ट जो जिसका आज शिलान्यास हो रहा है 29 किलोमीटर और दिल्ली मेट्रो रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट 82 किलोमीटर। भाइयों और बहनों, मोदी जी की सरकार 2014 मई में आने से पहले जो यूपीए की सरकार थी उसके 10 साल 2004 से लेकर 2014 तक शहरी विकास के लिए अलग अलग योजनाएं जो थी उसमें 1.5 लाख करोड़ का एक्सपेंडिचर हुआ था। अभी आज मोदी जी के 6 साल में ये जो एक्सपेंडिचर है 10 लाख करोड़ से अधिक हो गया है। मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं और खास करके क्योंकि यूपी में जो विकास सबसे बढ़िया हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और अब हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करेंगे कि सभा को संबोधित करने की कृपा करें। हम सब इंतजार कर रहे हैं क्योंकि समय हो चला है किसी भी क्षण
माननीय प्रधानमंत्री महोदय वर्चुअली हमसे जुड़ेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी हम सबकी प्रेरणा के स्रोत, उनकी प्रेरणा, उनका सानिध्य, उनका सामिप्य, उनकी वाणी सदैव जीवन में आगे बढ़ने, कुछ नया करने और अपना सर्वश्रेष्ठ देने की प्रेरणा देती है। सौभाग्य है हमारा कि आज इस समारोह में जो आगरा के विकास में एक नया अध्याय दिख रहा है, माननीय प्रधानमंत्री महोदय की सकारात्मक ऊर्जा और उनके शुभ हाथों द्वारा इसके निर्माण कार्य का शुभारंभ। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और वंदन माननीय प्रधानमंत्री जी। एक बार आप सब अपने उपस्थिति का एहसास कराएं। भारत माता की। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री जी। आज के इस कार्यक्रम में मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश देने के लिए उपस्थित देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, भारत सरकार के आवास शहरी विकास तथा नागरिक उड्डयन के मंत्री माननीय हरदीप सिंह पुरी जी, आज के समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश शासन के मेरे सहयोगी मंत्रीगण चौधरी उदय भान सिंह जी, डॉक्टर जी एस त्रिमेश जी, माननीय सांसद प्रोफेसर एस पी सिंह बघेल जी, माननीय श्री राजकुमार चाहर जी, माननीय श्री हरिद्वार दुबे जी, महापौर आगरा श्री नवीन जैन जी, माननीय विधायकगण श्री योगेंद्र उपाध्याय जी, श्री पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी, श्री राम प्रताप सिंह जी, श्रीमती हेमलता दिवाकर जी, श्री महेश गोयल जी, श्री जितेंद्र वर्मा जी, रानी पक्षालिका सिंह जी, सचिव आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार श्री डी एस मिश्रा जी, प्रमुख सचिव आवास और शहरी नियोजन उत्तर प्रदेश शासन श्री दीपक कुमार जी और उपस्थित मेट्रो कार्य योजना के शुभारंभ के समारोह में उपस्थित आगरा के सभी उपस्थित मातृ बंधुओं भाइयों बहनों, मैं आप सब की ओर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का आज के इस कार्यक्रम में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आगरा वासियों के लिए आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आगरा जैसे ऐतिहासिक सिटी को आज पब्लिक ट्रांसपोर्ट के एक नए युग की ओर आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस मेट्रो कॉरपोरेशन के कार्य का शुभारंभ करने के साथ एक नए युग की ओर आगरा और आगरा से जुड़े हुए लोग जाएंगे, इस दृष्टि से, क्योंकि आगरा में न केवल वर्तमान में 26 लाख की आबादी यहां पे निवास करती है, तो प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में देशी विदेशी पर्यटक भी इस आगरा सिटी में आकर
के पर्यटन की सुविधाओं का लाभ लेते हैं, लेकिन आज के समय के अनुरूप आगरा शहर ने पर्यावरण के अनुकूल पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुविधा का अभाव होने के कारण अक्सर पर्यटन की सुविधाओं को विकसित करने और उसे प्रोत्साहित करने में दिक्कतें आ रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार इस पर चिंता व्यक्त की, लेकिन उस सब के बावजूद देश के अंदर बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए मेट्रो जैसी सुविधाओं के विकास के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 6 वर्षों के दौरान देश के अंदर जो प्रयास प्रारंभ किए, आज उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में भी तेजी के साथ मेट्रो सुविधाओं का व्यापक प्रसार हुआ है। प्रदेश के अंदर गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सफलतापूर्वक मेट्रो के संचालन के साथ ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा कानपुर शहर में मेट्रो कार्य के शुभारंभ का जो कार्य प्रारंभ हुआ था, युद्ध स्तर पर मेट्रो का कार्य कानपुर में वर्तमान में चल रहा है। और आज हम सब के लिए सौभाग्य की बात है कि आगरा सिटी में भी मेट्रो कार्य का शुभारंभ आज प्रधानमंत्री जी के कदमों से हो रहा है। इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगरा वासियों की ओर से, प्रदेश वासियों की ओर से एक बार फिर से हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, आज हम सब के लिए गौरव की बात है कि जहां एक तरफ इस कोरोना कालखंड में देश के अंदर गरीब के लिए, नौजवान के लिए, समाज के प्रत्येक तबके के लिए शासन की योजनाओं का, कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अभूतपूर्व कार्य हुआ, वहीं साथ ही साथ आत्मनिर्भर भारत को तेजी के साथ आगे बढ़ाने, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं वह अभूतपूर्व है ही। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, लेकिन इसका सबके साथ ही आज हम सबको एक अन्य बहुत अच्छी खुशखबरी हम सब के लिए है कि संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन का इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड 2020 इन्वेस्ट इंडिया को दिए जाने के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हृदय से प्रदेश वासियों की ओर से बधाई देता हूं। नए भारत को दुनिया के शीर्ष निवेश स्थलों में से एक के रूप में प्रचारित करने में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की दृष्टि और मार्गदर्शन के लिए हम सब उनके कृतज्ञ हैं। यह प्रतिष्ठित सम्मान भारत में व्यापार के अनुकूल वातावरण की स्थापना के प्रति वैश्विक मान्यता को भी एक उच्च मापदंड प्रदान करता है। इन्वेस्ट इंडिया प्रदेश में निवेश प्रोत्साहन एजेंसी के तौर पर गठित इन्वेस्ट यूपी के मूल्यवान भागीदार नहीं है। मैं देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए किए गए साधारण प्रयासों के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं। उत्तर प्रदेश में अधिकाधिक निवेश लाने के लिए इन्वेस्ट यूपी, इन्वेस्ट इंडिया के साथ मिलकर कार्य करने के लिए सदैव तत्पर रहेगी। इस विश्वास के साथ एक बार मैं फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आज के इस अवसर पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी आगरा वासियों को मेट्रो कार्य के शुभारंभ के इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। आपने बिल्कुल सच कहा कि आज से आगरा के विकास के एक नए युग का प्रारंभ हो रहा है। आगरा मेट्रो रेल परियोजना क्या है, इससे क्या क्या लाभ होंगे, कैसे होगी ये, इसी के बारे में जानकारी देती हुई एक छोटी सी फिल्म बनाई गई है। आइए देखते हैं ये फिल्म। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में देश के सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश में
किसी अन्य राज्य की तुलना में सबसे ज्यादा शहरों में विश्व स्तरीय मेट्रो सेवा का विस्तार हो रहा है। पिछले 5 वर्षों में लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 83 किलोमीटर मेट्रो संचालन के आरंभ के बाद कानपुर, आगरा और दिल्ली से मेरठ के बीच बन रही देश की पहली RRTS परियोजना के तहत 131 किलोमीटर नए कॉरिडोर का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ है। भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार के संयुक्त स्वामित्व वाली कंपनी उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने लखनऊ में 23 किलोमीटर लंबे उत्तर दक्षिण मेट्रो रेल कॉरिडोर का निर्माण रिकॉर्ड समय में पूरा करने का कीर्तिमान स्थापित किया। प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक नगर कानपुर में कुल 32.5 किलोमीटर लंबे 2 कॉरिडोर वाली मेट्रो रेल परियोजना पर IIT कानपुर से मोती झील तक 9 किलोमीटर लंबे प्रायोरिटी कॉरिडोर पर निर्माण कार्य भी अत्यंत तीव्र गति से चल रहा है। आगरा में भी अब विश्व स्तरीय मेट्रो सुविधा के लिए निर्माण कार्य शुरू हो रहा है। 26 लाख जनसंख्या के साथ आगरा उत्तर प्रदेश का तीसरा सबसे घनी आबादी वाला शहर है। यह दुनिया भर के पर्यटकों और कला प्रेमियों के साथ व्यावसायिक दृष्टि से भी प्रदेश के प्रमुख शहरों में से एक है। 8,379.62 करोड़ रुपए की लागत के साथ आगरा में 29.4 किलोमीटर लंबे 2 मेट्रो कॉरिडोर का निर्माण होगा। पहला कॉरिडोर ताज ईस्ट गेट से सिकंदरा के मध्य निर्मित होगा, जिसकी कुल लंबाई 14 किलोमीटर होगी, जिसमें 6 एलिवेटेड और 7 भूमिगत स्टेशन निर्मित किए जाएंगे। 15.4 किलोमीटर लंबा और 14 स्टेशनों वाला दूसरा कॉरिडोर आगरा कैंट और कालिंदी बिहार को आपस में जोड़ेगा। ये कॉरिडोर पूरी तरह एलिवेटेड होगा। देश के 27 शहरों में मेट्रो परियोजनाएं चल रही है और वर्ष 2022 तक करीब 1,000 किलोमीटर मेट्रो रेल की संरचना देश को समर्पित करने की तैयारी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों द्वारा आगरा मेट्रो परियोजना के निर्माण कार्य का होने जा रहा है शुभारंभ। आपने इस फिल्म के माध्यम से देखा कि कैसी होगी ये परियोजना और आने वाले समय में आपको क्या क्या लाभ मिलेगी। सबकी सुरक्षा, सबकी समृद्धि, सबका विकास, ये माननीय प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकताओं में से एक है और उसी का प्रतिफल है आगरा मेट्रो रेल परियोजना, जिसके निर्माण कार्य का आज शुभारंभ होने जा रहा है। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि वो बटन दबाकर शिलापट का अनावरण करें। शिलापट का अनावरण, आगरा के विकास में एक नए अध्याय का प्रारंभ, सबके सपने साकार होने का आश्वासन। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि विगत वर्ष इस योजना की शुरुआत की गई थी और आज इसके निर्माण कार्य का शुभारंभ किया जाएगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि बटन दबाकर रिंग मशीन द्वारा आगरा मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण कार्य का शुभारंभ करने की कृपा करें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बटन दबाया और रिंग मशीन ने इसका निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। प्रकल्प और विकल्प से देश का कायाकल्प करने वाले आत्मनिर्भर भारत के रूप में एक नए राष्ट्र का निर्माण करने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी से अब हम बहुत ही आदर के साथ अनुरोध करेंगे कि अपने आशीर्वचनों से हमारा मार्गदर्शन करें। आप सबकी जोरदार तालियों के साथ मेरे साथ बोलिए भारत माता की। नमस्कार। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे साथी श्री हरदीप सिंह पुरी जी, उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी,
यूपी सरकार में मंत्री चौधरी उदयभान सिंह जी, डॉक्टर बी एस दरवेश जी, संसद में मेरे साथी प्रोफेसर एस पी सिंह बघेल जी, श्री राजकुमार चाहक जी, श्री हरिद्वार दुबे जी, अन्य जनप्रतिनिधिगण और आगरा के मेरे प्यारे भाई और बहन, आप सभी को मेट्रो का काम शुरू होने पर बहुत बहुत बधाई। आगरा के पास बहुत पुरातन पहचान तो हमेशा रही, अब इसमें आधुनिकता का नया आयाम जुड़ रहा। सैकड़ों वर्षों का इतिहास संजोए ये शहर अब 21वीं सदी के साथ कदम ताल मिलाने के लिए तैयार हो गया। भाई और बहनों, आगरा में स्मार्ट सुविधाएं विकसित करने के लिए पहले ही लगभग 1000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। पिछले साल जिस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का शिलान्यास करने का मुझे सौभाग्य मिला था वो भी बनकर तैयार है। मुझे बताया गया है कि कोरोना के समय में यह सेंटर बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ। अब 8000 करोड़ रुपए से अधिक का ये मेट्रो प्रोजेक्ट आगरा में स्मार्ट सुविधाओं के निर्माण से जुड़े मिशन को और मजबूत करें। साथियों, बीते 6 सालों में यूपी के साथ ही पूरे देश में जिस स्पीड और स्केल पर मेट्रो नेटवर्क पर काम हुआ वही सरकार की पहचान और प्रतिबद्धता दोनों को दर्शाता है। 2014 तक देश में लगभग 225 किलोमीटर मेट्रो लाइन ऑपरेशनल हुई थी। साल 2014 के बाद के 6 वर्षों में देश में 450 किलोमीटर से ज्यादा मेट्रो लाइन देश भर में ऑपरेशनल है और लगभग 1000 किलोमीटर मेट्रो लाइन पर तेज गति से काम भी चल रहा है। आज देश के 27 शहरों में मेट्रो का काम या तो पूरा हो चुका है या फिर काम अलग अलग चरणों में है। यूपी की ही बात करें तो आगरा मेट्रो सुविधा से जुड़ने वाला ये यूपी का 7वां शहर है और इनके बीच एक और बात बहुत विशेष है। देश में सिर्फ मेट्रो रेल नेटवर्क ही नहीं बनना है बल्कि आज मेट्रो कोच भी मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही बन रहे हैं। यही नहीं, जो सिग्नल सिस्टम उसका भी पूरी तरह से भारत में ही निर्माण हो, इस पर भी काम चल रहा है। यानी अब मेट्रो नेटवर्क के मामले में भी भारत आत्मनिर्भर हो रहा है। भाइयों बहनों, आज के नए भारत के सपने उतने ही बड़े हैं, उतने ही बड़ा है, लेकिन सिर्फ सपने देखने से काम नहीं चलता, सपनों को साहस के साथ पूरा भी करना होगा। जब आप साहस के साथ, समर्पण के साथ आगे बढ़ते हैं तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती।
सामान्य युवा, भारत के छोटे शहर आज यही साहस दिखा रहे हैं, यही समर्पण दिखा रहे हैं। 20वीं सदी में जो भूमिका देश के मेट्रो शहरों ने निभाई, उसी भूमिका को विस्तार देने का काम अब हमारे आगरा जैसे छोटे शहर कर रहे हैं। छोटे शहरों को आत्मनिर्भर भारत की धुरी बनाने के लिए ही अनेक विकास पर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इन शहरों में तो हर वो चीज है जो आत्मनिर्भरता के लिए हमें चाहिए। यहां की भूमि, यहां के किसानों में अपार सामर्थ्य, पशुधन के मामले में भी ये क्षेत्र देश में अग्रणी है। ऐसे में यहां डेयरी और फूड प्रोसेसिंग से जुड़े उद्योग के लिए बहुत संभावनाएं। इसके अलावा ये क्षेत्र सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी आगे बढ़ रहा है। साथियों, आधुनिक सुविधाएं मिलने से, आधुनिक कनेक्टिविटी मिलने से पश्चिमी यूपी का यह सामर्थ्य और बढ़ रहा है। देश का पहला रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम मेरठ से दिल्ली के बीच बन रहा है। दिल्ली मेरठ के बीच 14 लेन का एक्सप्रेस वे भी जल्द ही इस क्षेत्र के लोगों की सेवा देने लगेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अनेक जिलों को जोड़ने वाले गंगा एक्सप्रेस वे को योगी जी की सरकार पहले ही स्वीकृति दे चुकी है। यही नहीं, यूपी में दर्जनों एयरपोर्ट्स को रीजनल कनेक्टिविटी के लिए तैयार किया जा रहा है। इसमें भी अधिकतर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा के जेवर में आधुनिक विश्व स्तरीय ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट से तो इस पूरे क्षेत्र की पहचान पूरी तरह बदलने वाली है। साथियों, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर की एक बहुत बड़ी दिक्कत हमेशा ये रही थी कि नए प्रोजेक्ट की घोषणा तो हो जाती थी, लेकिन इसके लिए पैसा कहां से आएगा, इस पर बहुत ध्यान नहीं दिया जाता। इस वजह से प्रोजेक्ट वर्षों तक लटके रहते, उनमें काम की रफ्तार बहुत धीमी होती, ना मात्र का काम। हमारी सरकार ने नई परियोजना की शुरुआत करने के साथ ही उसके लिए आवश्यक धनराशि के इंतजाम पर भी उतना ही ध्यान दिया है। कनेक्टिविटी और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर जितना आज देश में खर्च किया जा रहा है, उतना पहले कभी नहीं किया गया। अब नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट के तहत 100 लाख करोड़ रुपए से अधिक खर्च करने की भी तैयारी है। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान, उस पर भी काम किया जा रहा है। कोशिश यह है कि देश के इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने के लिए पूरी दुनिया से निवेश को आकर्षित किया जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट विदेशी निवेश को आसान बनाने के लिए भी हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। साथियों, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर कनेक्टिविटी का सबसे अधिक लाभ हमारे टूरिज्म सेक्टर को होगा। मेरा यह हमेशा से मत रहा है कि टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है
जिसमें हर किसी के लिए कमाई के साधन, कम से कम निवेश में अधिक से अधिक आमदनी टूरिज्म के माध्यम से संभव है। इसी सोच के साथ देश लोकल टूरिज्म के लिए वोकल हो, इसके लिए अनेक स्तरों पर काम चल रहा है। ताजमहल जैसी धरोहरों के आसपास आधुनिक सुविधाएं विकसित करने के साथ ही टूरिस्टों के लिए ईज ऑफ ट्रैवलिंग भी बढ़ाई जा रही है। सरकार ने न सिर्फ ई वीजा स्कीम में शामिल देशों की संख्या में काफी वृद्धि की है, इसके साथ ही होटल ग्रुप टैरिफ पर टैक्स को भी काफी कम किया है। स्वदेश दर्शन और प्रसाद जैसी योजनाओं के माध्यम से भी टूरिस्टों को आकर्षित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार के प्रयासों से भारत अब ट्रैवल और टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में 34वें नंबर पर आ गया, जबकि 2013 में भारत इसी इंडेक्स में 65वें नंबर पर रुका पड़ा था। आज वहां से इतनी प्रगति हुई, मुझे उम्मीद है जैसे जैसे कोरोना की स्थिति सुधरती जा रही है वैसे ही बहुत जल्द ही टूरिज्म सेक्टर की रौनक भी फिर से लौट आएगी। साथियों, नई सुविधाओं के लिए, नई व्यवस्थाओं के रिफॉर्म्स बहुत जरूरी है। हम पिछली शताब्दी के कानून लेकर के अगली शताब्दी का निर्माण नहीं कर सकते। जो कानून पिछली शताब्दी में बहुत उपयोगी हुए वो अगली शताब्दी के लिए बोझ बन जाते हैं, और इसलिए रिफॉर्म की लगातार प्रक्रिया होनी चाहिए। लोग अक्सर सवाल पूछते हैं कि पहले की तुलना में अब हो रहे रिफॉर्म ज्यादा बेहतर तरीके से काम क्यों करते हैं, पहले की तुलना में अब अलग क्या हो रहा है। कारण बहुत ही सीधा है, पहले रिफॉर्म टुकड़ों में होते थे, कुछ सेक्टरों कुछ विभागों को ध्यान में रखते होते थे, अब एक संपूर्णता की सोच से रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं। अब जैसे शहरों के विकास के कोई हम ले लें, शहरों के विकास के लिए हमने 4 स्तरों पर काम किया है। बीते समय से चली आ रही समस्याओं का समाधान हो, जीवन ज्यादा से ज्यादा सुगम हो, ज्यादा से ज्यादा निवेश हो और शहरों की व्यवस्थाओं में आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग अधिक हो। भाई और बहनों, रियल एस्टेट सेक्टर की क्या स्थिति थी इससे हम भली भांति परिचित हैं। घर बनाने वालों और घर खरीदारों के बीच भरोसे की एक खाई आती थी। कुछ गलत नियत वाले लोगों ने पूरे रियल एस्टेट को बदनाम करके रखा है, हमारे मध्यम वर्ग को परेशान करके रखा है। इस परेशानी को दूर करने के लिए रेरा का कानून लाया। हाल में कुछ रिपोर्ट जो आई है वो बताती है कि इस कानून के बाद मिडिल क्लास के घर तेजी से पूरे होने शुरू हुए हैं। इसी तरह हमारे शहरों में एक और बड़ी समस्या है, बड़ी संख्या में खाली पड़े घरों की। ये तब है जब बड़ी आबादी को किराए पर घर मिलने में भी परेशानी है। इस समस्या को दूर करने के लिए भी एक मॉडल कानून बनाकर
राज्यों को दिया जाता है। साथियों, शहरों का जीवन आसान बनाने के लिए आधुनिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट से लेकर हाउसिंग तक चौतरफा काम चल रहा है। यहां आगरा से ही प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत हुई थी। इस योजना के तहत शहरी गरीबों के लिए 1 करोड़ से ज्यादा घर स्वीकृत हो चुके हैं। शहर के मध्यम वर्ग के लिए भी पहली बार घर खरीदने के लिए मदद की जा रही है। अब तक 12.5 लाख से ज्यादा शहरी मध्यम वर्गीय परिवारों को भी घर खरीदने के लिए लगभग 28,000 करोड़ रुपए की मदद दी जा रही है। अमृत मिशन के तहत देश के सैकड़ों शहरों में पानी सीवर जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया गया। शहरों में सार्वजनिक टॉयलेट्स की बेहतर सुविधाएं, वेस्ट मैनेजमेंट की आधुनिक व्यवस्था, वेस्ट मैनेजमेंट को प्रायोरिटी देने के तरीके, इसके लिए स्थानीय निकायों को मदद दी जा रही है। भाई और बहनों, आज शहरी गरीब को मुफ्त इलाज मिल रहा है और मध्यम वर्ग को सस्ती दवाई मिल रही है, सस्ती सर्जरी उपलब्ध कराई जा रही है। सरकार की कोशिशों से बिजली से लेकर मोबाइल फोन तक उस पर खर्च बहुत कम हुआ है। एजुकेशन लोन से लेकर होम लोन तक ब्याज की दरें कम की गई। ये भी पहली बार हुआ है जब रेहड़ी ठेले फेरी वाले छोटे उद्यमों को बैंकों से सस्ता ऋण उपलब्ध कराया गया है। यही तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है। ये जो रिफॉर्म्स बीते कुछ समय से किए जा रहे हैं, उनसे देश में नया आत्मविश्वास आया है। विशेष तौर पर देश की बहनों बेटियों तक जिस प्रकार सरकारी लाभ पहुंचा है, वो सचमुच में अगर बारीकियों में जाएंगे तो आपको भी संतोष देगा। पहले की तुलना में आपके अंदर के नए विश्वास बढ़ेगा। हर रोज दूर सुदूर से अनेक चिट्ठियां मुझे मिलती हैं। मीडिया के माध्यम से बहनों बेटियों की भावनाएं मुझ तक पहुंच रही हैं। माताओं बहनों के इसी आशीर्वाद से मैं स्वाकई भाव विभोर। देश की बहनों बेटियों, देश की युवाओं, देश के किसानों, देश के श्रमिकों, कर्मचारियों, व्यापारियों का विश्वास बीते हर चुनाव में दिख रहा है। यूपी सहित देश के कोने कोने में चुनाव के नतीजों में विश्वास झलक रहा है। 2-3 दिन पहले तेलंगाना में, हैदराबाद में गरीब और मध्यम वर्ग ने सरकार के प्रयासों को अभूतपूर्व आशीर्वाद दिया। आपका साथ और आपका समर्थन ही मेरी प्रेरणा शक्ति। देशवासियों की छोटी से छोटी खुशी मुझे नए नए काम करने की हिम्मत दे, नए इनिशिएटिव लेने की ताकत दे, ताकि मैं आपकी भलाई के लिए और ज्यादा खुश हूं। आत्मनिर्भरता का यह आत्मविश्वास यूं भी निरंतर मजबूत होता है। विकास के कार्य ऐसे ही बढ़ते चले, इसी कामना के साथ आपको मेट्रो प्रोजेक्ट की फिर से बहुत बधाई। लेकिन एक बात मैं जरूर याद कराऊंगा, कोरोना के टीका का इंतजार है और पिछले दिनों में जब वैज्ञानिकों से मिला
तो आपको ज्यादा देर होगी ऐसा नहीं लगता है, लेकिन संक्रमण के बचाव को लेकर हमारी सावधानी में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। मास्क, दो गज की दूरी, ये बहुत जरूरी है। आप इसका ध्यान रखेंगे, इसी विश्वास के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी प्रेरणा हमेशा ही हमारे अंदर साहस और बल का संचार करती है और साथ ही सपनों को सच करने की प्रेरणा भी देती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। इसी के साथ अभी आयोजन संपन्न होता है। व्यवस्था और अनुशासन को बनाए रखते हुए ही यहाँ से प्रस्थान करें।